बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड आज मैं आपके साथ आलमंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि झटपट में रेडी हो जाती है और बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको मैं आज ओवन में आलमंड केक बनाना सिखाऊंगी, जो कि तकरीबन हर घर में बड़ा पसंद किया जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चलें फ्रेंड फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे केक बनाने के लिए मोल्ड लूँगी। ये मेरे पास ना 7 इंचज मोल्ड है, तो इसको सबसे पहले मैं नीचे से ना ग्रीस करूँगी ऑयल की हेल्प से। ये वेजिटेबल ऑयल है मेरे पास, उससे अच्छी तरह से ना मैं ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर लगा दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए आलमंड लिए हुए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से इस पे लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसके बाद ना मेरे पास ये पिसे हुए बादाम है, बादाम का चूरा, वो मैं इस पे अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी इधर और एक लूंगी बाउल। बाउल में तकरीबन मैं 1 कप के करीब शुगर ऐड करूंगी। और इसमें 1/2 कप के करीब मैंने जो ऑयल ऐड किया, बटर भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया। अब इसे एक स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे ना रूम टेम्परेचर जो है ना वो मिल्क ऐड करूंगी इसमें। मिल्क मेक श्योर के रूम टेम्परेचर हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसमें 3 एग में ऐड करूंगी और ना 1 by 1 एक एक एग डालती जाऊंगी और इसे बीट करती जाऊंगी। उसके बाद एक और एग में डालूंगी। अब दूसरा एग डाल के इसे बीट करूंगी अच्छी तरह से। अब मैं इसमें तीसरा एग भी डालूंगी और उसे भी अच्छी तरह से बीट करूंगी। अब मैं इसमें 1 teaspoon वनीला एसेंस ऐड करूंगी। और 1 teaspoon ही मैं आलमंड एक्सट्रैक्ट इसमें यूज करूंगी। ये देखें, ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब मैं एक स्टिफ लूंगी यानी छलनी। अब उसमें ना मैंने 2 cup के करीब मैदा लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी और उसे ना छान लूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। 1 teaspoon के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और इसमें 1/4 teaspoon जो है वो मैं साल्ट ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से स्टिफ कर लूंगी। अब इसे एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो आलमंड है ये मैंने जो है ये तकरीबन कश करके रखे थे, बारीक पीसे नहीं हुए हुए, ये कश हुए हुए। बेसिकली बादाम का पाउडर नहीं है, इसे ना मोटा मोटा इसे पीसा हुआ है।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना ताकि ये जो सारा आलमंड का चूरा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हर चीज इवनली मिक्स हो चुकी है। अब इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैं ऑरेंज कलर ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी रहने दें। ये मैंने इसमें ऑरेंज कलर के 2 से 3 ड्रॉप ऐड किए हैं और अब इसे अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। अब मैं ये टिन लूंगी जो कि मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, इसमें अब मैं ये जो मिक्सचर है ये ऐड करूंगी। ये मैं इसे पोर कर दूंगी। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है मैं इसे ना 180 डिग्री सेल्सियस पे ना 40 से 35 मिनट तक बेक करूंगी। फोर्टी मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इसे ओवन से बाहर निकाल लिया है, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, एक परफेक्ट सा कलर आ गया। यहाँ पे टूथपिक की हेल्प से मैंने इसे चेक कर लिया, टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। मैं इसे ठंडा होने के लिए रख लूँगी, ठंडा होने के बाद फिर मैं इसे मोल्ड से बाहर निकालती हूँ। ये देखें ठंडा हो चुका है बिल्कुल, इसे रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। अब मैं इसे मोल्ड से बाहर निकालूंगी। मैंने एक प्लेट ली है इसे ऐसे रख के, तो फिर उसके बाद मैं इसका जो मोल्ड है वो ओपन कर दूँगी। ये जो बटर पेपर है, बेकिंग पेपर, ये भी मैं ऊपर से हटा लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं केक को ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। यहाँ पे मेरे पास जैम है, आप कोई भी जैम ले सकते हैं। मेरे पास ये ऑरेंज फ्लेवर का है, इसमें को ना मैंने थोड़ा सा पतला करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक ब्रश की हेल्प से इस पर लगा लूँगी। आप स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं, एक ये जैम इसके ऊपर लगा लूँगी। इससे एक अच्छा सा कलर भी आएगा, शाइनी सी लुक भी आएगी। अगर आप चाहें तो आप हनी भी लगा सकते हैं या जो भी आपको जैम का फ्लेवर पसंद हो वो आप लगा दें। तो ये सेंटर में मैंने थोड़ा सा जैम रखा है, ये देखें कितनी अच्छी सी लुक आ गई है इसकी, शाइनी सी लुक। तो ये देखने में भी प्यारा लग रहा है और इसका ना जो टेस्ट है, जो इसका फ्लेवर है, वो भी इससे ना बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत आएगा। चलिए अब मैं आपको ना कट करके दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियो आपको आसानी मिल सके।